नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। मोहम्मदगंज से अनूप सिंह की रिपोर्ट। मोहम्मदगंज बाजार क्षेत्र में प्रतिदिन दूसरे प्रदेशों से अपने घर पैदल लौटने वाले लोगों का रात्रि ठहराव बन गया है। लॉकडाउन धारा 140 होने के कारण पैदल चलकर देर रात्रि मजदूरों को पहुंचने पर मोहम्मदगंज के अतिरिक्त दाल भात केंद्र संचालक अखिलेश यादव सूचना पाकर खाना बनाने में जुट गए। नबीनगर से गेहूं सहित रबी फसल की कटाई कर देर रात्रि लौट रहे करीब 30 की संख्या में महिला मजदूर छोटे छोटे बच्चों के साथ मोहम्मदगंज में रुके। कांग्रेसी नेता सत्यनारायण सिंह, विवेक, विशाल, बंटी, प्रेम, बबलू, पिंटू, राजू, गुड्डा, काशी सहित युवा वर्ग और व्यवसायियों ने खाना बनाने में सहयोग किया और मजदूरों को खाना खिलाया। सभी मजदूर चैनपुर डाल्टनगंज क्षेत्र के हैं, जो रात्रि में मोहम्मदगंज स्टेशन पर रुककर अहले सुबह गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे। धन्यवाद। सभी कंपनी के लैपटॉप कंप्यूटर का सेल व सर्विसिंग की जाती है। एम कंप्यूटर लैपटॉप से जुड़े सभी तरह के एसेसरीज जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, एलसीडी मॉनिटर, होम थिएटर, यूपीएस इत्यादि उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। कंप्यूटर लैपटॉप से संबंधित किसी भी तरह की सेवा के लिए संपर्क करें गुप्ता आईटी सॉल्यूशन, बीपी प्लाजा मेन रोड के बगल में प्रीति ड्रेसेस के सामने। संपर्क नंबर है 7995718849।